वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार और बेहद ही स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनएस की लाइफस्टाइल में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक जेड प्लांट से हम बोनसाई ट्री कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अभी हमारे पास जेड प्लांट है और इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, हम इसकी कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करने के बाद देखेंगे आप इसका हल्का हल्का शेप बोनसाई की तरीके कन्वर्ट होगा। और देख सकते हैं इसकी रूट कितनी मोटी है। कभी भी आप बोनसाई ट्री बना रहे हैं तो उसकी मेन रूट जो हो, मेन वाला मतलब जो ब्रांच हो, उसको देख लें काफ़ी मोटा हो, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी बोनसाई ट्री रियल जैसी नहीं लगेगी। अभी देखिए, हमने काफ़ी हद तक इसकी कटिंग कर ली है और देखिए ये हल्का हल्का बोनसाई की तरीके लगने लगा है। और देखिए इसकी ब्रांचेस एकदम क्लियर दिखाई देने लग गए हैं, सारी ब्रांचेस बोनसाई की तरीके ट्री नज़र आने लग गया है। और एक बात और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बोनसाई ट्री बना रहे हैं तो सबसे बढ़िया मौसम इसके लिए बरसात का मौसम होता है, इसलिए हमेशा बरसात के मौसम में ही इसकी कटिंग करें। और अभी देखिए, हमारा 1 मंथ हो चुका है ओल्ड, वही वाला बोनसाई ट्री है। और देखिए कितना घना हो चुका है ये 1 महीने में ही, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा था तो इसमें 1 हफ्ते लगातार बारिश हुई है, तो इसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी है। और देखिए कितना हरा भरा हो चुका है, चारों तरफ से एकदम घना हो चुका है ये। और ये वही वाली बोनसाई ट्री है दोस्तों, देखने में आपको पहचान में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये ऐसा प्लांट है और ये ऑक्सीजन देने के काम आता है, इसलिए आप इसको अपने घर में ज़रूर लगाएं। और एक ही प्लांट से आप इसके कई सारे प्लांट बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसकी दोबारा से हम कटिंग करेंगे, फिर मैं इसकी दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगा। अभी देखिए कितना लगभग 1 फीट का ऊंचा हो चुका है ये हमारा बोनसाई ट्री, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा बोनसाई ट्री बन चुका है। और ट्रिमिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आराम से ट्रिमिंग करें, दूसरी ब्रांचेस को चोट ना लगे।